जमीन पर पड़ी है पिस्तौल, गांव गीड़ में बदमाशों के करतूत खुद बयान कर रहे हैं। गांव गीड़ में प्रॉपर्टी विवाद के चलते एक परिवार पर हमला करने के लिए आधा दर्जन से ज़्यादा बदमाश आधमकते हैं, फायर करते हैं, जिसमें एक शख्स घायल हो जाता है। लेकिन इसी बीच गांव में शोर मचने के बाद गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं और भीड़ को देखकर बदमाश वहां से भाग खड़े होते हैं। यह बंदूक और यह गाड़ी उन बदमाशों की हैं जो गांव गीड़ के एक परिवार पर हमला करने आए थे। पुलिस मौके पर पहुंचती है, कार्रवाई की जाती है, लेकिन बदमाश फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। अक्सर जो लोग दिल से खूबसूरत होते हैं वो हमारे दिल में एक खास जगह बना लेते हैं। आपके ऐसे ही स्पेशल लोगों के लिए हम लाए हैं ईसीबी स्पेशल चाय, चाय जो खुशियां बढ़ाए। 7-8 तो उन्होंने जी मेरे पर फायरिंग की, मान लिया वो मेरा पन पकड़ के पकड़ी जा सके, हवा में चले गए ऊपर चल गए उड़ी का, तो नाम लिख रहे चीना जब्ती में चीनी जा, मर को जान से मारने की कोशिश करी। जरा आगे बोले जी भाई गांव अब तो बच गया, गांव अब भी छोड़ दे, मैं छोड़ देगा, तुम छोड़ो जान से मारेंगे। एक का नाम याद है जी, अमित जी नाम मेरा, कहां का है उसका फोन नंबर है, ये करनाल का है जी, फोन करके आया था जी मेरे पास। वो कितने बदमाश है, मेरे को करनाल बुलाया था, करनाल में गया नहीं, तो मैं गांव में आ गया, हम तो गांव में आ जाएंगे जी, तो गोली भी चलाई। हां गोली चलाई। कितने बदमाश आए थे? 7-8 आए थे। गाड़ी पर थे जी? हां जी, गाड़ी में मतलब पकड़े बंदों उसके। कौन लोग थे सर? ये प्रदीप ने बुलाया था जी, प्रदीप ने, बलबीर ने जी ने। क्या विवाद था आपका? मारा 20 साल है, मारा केस कर थे जी, मकानों मारे। जमीन का विवाद है? नहीं, मकानों केस मारा जी, मकानों मारे 20 साल हो गए। तो कितने बदमाश आए थे? वो 8-10 थे जी। कितनी गाड़ियों पे थे? एक गाड़ी देखी खड़ी है जी, जी अब गाड़ी भी छोड़ गया। आपको चोटे कैसे लगी? झपट में मारी जी, मन तो ये फंसी ना, झपट में जी। हथियार एक ही था और भी बंदूक थी? हम तो यही देखा, हम देखे भी, हम तो एक ही दिखा था, इसी झपटे हम 10 बार। गोली चलाई भी है? हां गोली चलाई, एक फायर होया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि बदमाशों को पकड़ा जाए ताकि इस तरह खुलेआम बंदूकें लहराकर गांव में दहशत फैलाने वाले इन बदमाश लोगों पर अंकुश लगाया जा सके। 30 का मकान है उसके गांव के, उसके घर के पास गोली चली है। जब मौके पर पहुंचे तो एक राइफल पड़ी हुई है, एक गाड़ी खड़ी है, तो अब मौके पर पूछताछ कर रहे। अभी तो इन्होंने अभी पूछताछ की है, अभी घर अभी आए थे, आपस में इनका प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है दूसरे आदमी के साथ, मकान का झगड़ा है। तो गोली भी चली है बता रहे हैं? हाँ फायर हुआ है भाई। तो लोडेड है राइफल? लोडेड मैगजीन पड़ी है साइड में। तो पता लगाया जा सकेगा कि लाइसेंस वाली है या अवैध है? हाँ, वो सारे जांच की जाएगी। कितने लोग आए थे सर? अभी 7-8 आदमी बता रहे हैं।